सो वेल गाइज, ये गुड न्यूज है। पीजीआई रोहतक के मेडिकल के एडमिशन के लिए फॉर्म निकल चुके हैं। कई कोर्सेज के अंदर ये आपके फॉर्म निकले हुए हैं। सारा का सारा हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहें। क्या आपका एंट्रेंस शेड्यूल रहेगा, क्या आपकी रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी और क्या आपकी लास्ट डेट है फॉर्म के लिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। देख पा रहे हो आप, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये पीजीआई रोहतक की तरफ से। देख पा रहे होंगे एडमिशन नोटिस। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सीईटी लिया जाएगा पहले, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, सभी का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है? तो देख पा रहे कोर्स, यूजी कोर्सेज, यूजी के अंदर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कौन से हैं? बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, ओके। उसके बाद है पैरामेडिकल, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर। उसके बाद बीएससी ओटी ऑपरेशन थिएटर के अंदर, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बीएससी रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियोथेरेपी एंड बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। उसके बाद है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एनपीसीसी क्रिटिकल केयर के लिए जो नर्सिंग का कोर्स होता है, एमएससी नर्सिंग एंड एमपीटी मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, ओके। उसके बाद है प्राइवेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एफिलेटेड टू पीटी बीडी शर्मा, मतलब जो भी पीजीआई रोहतक से एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उन सभी के लिए फॉर्म निकले हुए हैं, ठीक है? उसके बाद है जो एकेडमिक जो सेशन है 2024 से 25 का है, उसके लिए फॉर्म है ये। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है, वो डेट रहने वाली है आपकी 28 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। 28 तारीख मीन्स 28 जून ऑनवर्ड। लास्ट डेट जो रहेगी 12 जुलाई अप टू 12 PM नाइट में, ठीक है? रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग फीस 1000 रुपीज अनरिजर्व कैटेगरी, मतलब जर्नल के लिए 1000 रुपये, और उसके बाद जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है, चाहे वो जर्नल की ही, जैसे EWS का सर्टिफिकेट किसी ने बनवा रखा है, या अदर SC, ST, BC, OBC जितनी भी कैटेगरी इसके अंदर फॉल होंगी, उसके लिए 750 रुपये, 750 रुपये, ठीक है? जितनी भी कैटेगरी हरियाणा से बिलोंग कर रही है उनके लिए ओनली, ठीक है? डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड आपके मिलेंगे वो 24 जुलाई को मिलेंगे। 24 जुलाई के बाद आपके एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे। और जो एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट है वो है 28 तारीख, 28 जुलाई, ठीक है? संडे को एंट्रेंस टेस्ट होगा सभी कोर्सेज का, ठीक है? तो इस जो नोटिफिकेशन के अंदर काफ़ी कुछ दिया गया है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आप एडमिशन फॉर्म या एंट्रेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी शेड्यूल मेंशन है, देखिए 28 तारीख से 12 तारीख तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद एडिटिंग कर सकते हैं साथ के साथ, जैसे करेक्शन कुछ करना हो आपको। और उसके बाद 24 जुलाई को आपके एडमिट कार्ड शुरू हो जाएंगे, और CET जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 28 जुलाई को होगा, ठीक है? उसके बाद देखिए साथ के साथ इन्होंने सिलेबस भी डाल रखा है, ठीक है? सिलेबस मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये रहा डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया, जो भी बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज हैं, या बीपीटी हो, फिजियोथेरेपिस्ट का हो, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट का हो, इन सभी का जो डिटेल सिलेबस है, किस तरीके से पेपर लिया जाएगा, जो पैटर्न रहेगा, वो सब कुछ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। देख पा रहे होंगे पेपर पैटर्न भी दिया गया है। तो इसका जो लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है? और जो कंप्लीट यहाँ पे प्रोस्पेक्टस है, ये नोटिफिकेशन का जो शेड्यूल है कंप्लीट, इसके अंदर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, ठीक है, तो आप कॉमेंट करें वीडियो के ऊपर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर भी हो सकती है या कोई अदर टॉपिक हो सकता है आपसे रिलेटेड, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। बेल आइकन को जरूर दबा लें, ठीक है? और कमेंट जरूर करें इससे रिलेटेड, या किसी अदर कोई कोर्स से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो को क्विट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।